अच्छे बच्चों, क्या तुम जानते हो कि हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी और गरीबी? तो इसको अगर दूर करना चाहें हम तो कैसे होगा? गांवों से अगर करना चाहते हैं तो ये बोलो, गांव का विकास करने के लिए हमारे गांव के लोगों की आवश्यकता है और गांव में किसानों की आवश्यकता है, लेकिन क्या ये तुम पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, इसको करने के बाद तुम खेत में काम करोगे या क्या करोगे? नौकरी करोगे? किसान नहीं बनना चाहोगे? तुम्हारे यहाँ जमीन है? तुम्हारी जमीन को क्या होता है, क्या करते हो उसमें? धान उगाते हो? तुम उगाते हो? भागीदार को देते हो? भागीदार को देते हो? तुम जानते हो क्या किसान क्यों नहीं करते? तुम किसान क्यों नहीं बनते हो? खाना कहाँ से आता है? खेत में कौन काम करता है? इसका मतलब तुम्हारे को तुम्हारा जीवन तुम्हारे को प्राण देने वाला किसान है, इसलिए किसान जो है वो अन्नदाता है। ये बात समझ में आ रही है? तो किसान तो अन्नदाता है, उसको खुद बोलते हो कि छोटा आदमी है, पिछड़ा आदमी है। हाँ, ये बात है कि किसान को ये नहीं मालूम कि अच्छी खेती कैसे करें। और तुम लोग यहाँ पढ़ने आए हो तो तुमको क्या पढ़ा रहे हैं? साइंस एंड एनवायरमेंट। उसमें तुमने क्या सीखा अभी तक? खेतों से कैसे कैसे उपजाया जाता है, अन्न उपजाया जाता है। ऐसे पढ़ते पढ़ते तुम डिग्रियां करोगे, बीएससी करोगे, एमएससी करोगे, पीएचडी करोगे और एक अच्छे वैज्ञानिक बनोगे। तो जो खेती बाड़ी को जानता है और खेती बाड़ी करके वो अन्न उगा सकता है तो वो होता है वैज्ञानिक कृषक। तुम लोग वैज्ञानिक कृषक नहीं बनना चाहोगे? नहीं, विज्ञान जरूर ले लोगे लेकिन कृषक नहीं बनोगे। मेरे देश की धरती कहाँ से सोना उगल सकता है? और तुम लोग पैसे के लिए छोटी नौकरी के पीछे मांग रहे हो, तो सोने की बजाय सोने के कीड़े को छोड़ करके भीख मांग रहे हो नौकरी की। नौकरी तो नौकरी, छोटी मोटी नौकरी के लिए गांव को छोड़कर चले जा रहे हो, इसलिए गांव का विकास जरूरी है और उसका विकास करने के लिए तुमको गांव को छोड़कर नहीं जाना है, बल्कि गांव की जमीन से समृद्धि लानी है अपने देश की। अगर हमारी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, ज्यादा आलू होते रहेंगे, ज्यादा सब्जियाँ होंगी, ज्यादा फल होंगे, ज्यादा फूल होंगे, तो इसका एक्सपोर्ट भी होगा तो हमारे देश में पैसा आएगा। इसलिए नौकरी की मत खोज करो बल्कि नौकरी पैदा करो, सृष्टि करो, एक एक काम करो। ये सारा कैसे यहाँ मैंने सुना। अब देखते हैं अगर तुम्हारे पास पैसा होगा, धन होगा, तो तुम स्वयं अपने यहाँ पर सड़कें बना सकते, अच्छे स्कूल खोल सकते, तुम पढ़े लिखे होगे, अच्छा स्कूल बनाओगे, जिस स्कूल में ऐसी विद्या दोगे जो धरती से सोना उगा सके। कैसे होगा? तुम्हारी धरती की सेवा करोगे, अन्न उपजाओगे, अन्न निकलेगा, उसको बेचेंगे, उसका व्यवसाय करेंगे, आए उसका है फल हो, दूध हो या अन्न हो, इसको छोड़ना नहीं है। ऐसे ऐसे मत बिक्री कर, छोटे छोटे कारखाने खोलोगे, इसी से धान से चावल, चावल से मूढ़ी, चीड़ा, ये सब बना सकते हो, चनाचूर बना सकते हो, आम होगा तो आम का रस निकाल सकते हो, उससे पापड़ बना सकते हो, उससे मुरब्बे बना सकते हो, जैली जैम बना सकते हो, ठीक है ना? तो इस
दूसरे राज्य से उन लोग आज भीड़ हो कि हम लोग अपने गांव के विकास के लिए छोटी मोटी नौकरी के पीछे नहीं भागेंगे बल्कि अपनी धरती को उपजाऊ बनाएंगे इसे सोना बुलाएंगे और पेड़ है उनसे भी हम उनके डरवाएंगे और फिर देखो ना सूरज है इतना अच्छा सूरज हमारे को धूप देता है ऐसे क्या हो सकता है जैसे सूरज का सोलर पैनल बनाएंगे तो धूप में रख देंगे तो अपने आप खाना बनाने लगेगा इसका मतलब है कि जो सूरज में जो शक्ति ऊर्जा है उसको काम में लगा करके तुम अपनी बेकरी भी बना सकते हो बिस्किट बना सकते हो खाना बना सकते हो है ना और बिजली भी पैदा कर सकते हो ठीक है तो यहाँ भी कुछ मिलता है प्रकृति में उसका दोहन करके तुम लोग अपने को समृद्धिशाली बना सकते और जब समृद्धिशाली होगी टेंशन नहीं रहेगी तो शांति भी रहेगी शांति रहेगी तो अपना मन भगवान को भी दे सकते है ना और भगवान को याद करने से क्यों नहीं मालूम देखो भगवान से ही सारा संसार बना और सब जीवों में भगवान है अगर हम उनकी सेवा करते हैं तो ये एक महान कार्य होता है और फिर हमको जो इस जीवन की सार्थकता मिल जाती है कि हमारा फिर और जन्म नहीं होगा है तो भगवान की सेवा कैसे करेंगे सबके साथ सबके अंदर इसलिए स्वामी जी ने कहा है कि हम लोग ये जीवन वही है जीवित वही है वही जीवित है जो दूसरों के लिए जीवित है अपने लिए मर गया इसलिए अपनी बात नहीं सोच कर दूसरों की बात सोचोगे तुम्हारा हृदय बड़ा होगा विशाल होगा तो महान कार्य कर सकोगे महान बन सकोगे हमारे देश में ऐसे ही बड़ी बड़ी नेता हुए सब ऋषिगण हुए ठीक है अब देखो घंटी बन गई अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ इतनी बात सुनने पर इतना समझने पर अब तुम लोग बोलो कि तुम क्या बनना चाहोगे और मैं क्लास 5 की स्टूडेंट हूँ और मैं आपको सोयल टेस्टिंग कैसे होता है वो मैं दिखाना चाहती हूँ पहले हम डिस्टिल वाटर लेंगे 5 ml इसमें फिर 2 ग्राम सोयल मिला स्मॉल स्पून में इसे 0.5 ग्राम PHR1 डालना फिर इसका ये जो कॉर्क है इसे हम इस यहाँ पे लगा के इसे शेक कर देना 20 मिनट हिलाने के बाद हम फिर इसमें PHR2 डालेंगे 2 बूंद फिर 5 बूंद डालने के बाद फिर हम फिर 30 मिनट इसे शेक करना सेकंड 30 सेकंड 30 सेकंड मतलब इसमें एसिडिटी 6.5 की 7 है 6.0 नहीं है बिल्कुल ठीक है खेती के लिए एकदम उपयुक्त है बेटा ये डिब्बा किस चीज़ का है बी बॉक्स है ये आपको यहाँ पे सिखाया जाता है हाँ हमारे स्कूल में सिखाया जाता है आपके स्कूल में सिखाया जाता है तो ये कैसे इसमें हनी बनता है थोड़ा आप दिखाएंगे अब इसको ये दिखाइए ये कैसे हनी बनाते हैं और थोड़ा उसका प्रोसेस बताएंगे क्या क्या सीखा आपने ये क्या है हनी ये फ्रेम है उसका अच्छा फ्रेम है तो कितने फ्रेम होते हैं एक डिब्बे में दस फ्रेम होते हैं फूलों से रस ला के ये सब इसके घर में अच्छा जमा करते हैं रानी मधुमक्खी बच्चा देती है अच्छा और ड्रोन भी टेम्परेचर को नॉर्मल में करता है अच्छा और कितने दूर तक का फूल का रस लेके आता है कितना दूर जाता है मधुमक्खी 3 किलोमीटर अच्छा। 3 किलोमीटर तक तो आपको ये मधु निकालना आता है इससे हाँ।
अच्छा, ये मधुमक्खी अंडा देती है। बेटा ये क्या है? मोबाइल गोबर गैस संयंत्र है। मोबाइल गोबर गैस संयंत्र है, तो ये किस काम में आता है? खाना बनाने में। तो यानी कि गैस, ये गोबर गैस बनती है। हाँ। तो इसमें गोबर कहाँ से डालते हैं बेटा? यहाँ से डालते हैं। अच्छा, इसमें घोल के गोबर डालते हैं। और अंदर इसका गड्ढा है क्या? नहीं। गड्ढा, अच्छा, इसलिए मोबाइल है। अच्छा, तो वहाँ से क्या होता है? गैस जाती है। और उधर आप चूल्हा वूल्हा ये खाना ना बना सकते हैं इससे? तो इसमें कितना मात्रा में पानी और गोबर मिलाते हैं कुछ आप? ये हाँ, जितना गोबर देते हैं हाँ, जितना पानी देते हैं। अच्छा, और कितने दिन बाद ये, मतलब कितने टाइम बाद इसका आप प्रयोग में ला सकते हैं? अभी कर सकते हैं। कर सकते हैं। और उधर क्या, उधर एक बना हुआ, वो किस काम में आते हैं? जो डाइजेस्ट गोबर निकल जाता है, और यहाँ खाद का काम खाद जो का वेस्ट है इसका, वो उसका खाद में के काम आता है। तो आप ये थोड़ा जला के दिखाओ कि कैसे आप ये गोबर गैस से बनता है और कैसे। गांव में, शहरों में, हर जगह बहुत सा वेस्ट निकलते हैं। उन वेस्ट से हम कंपोस्ट भी बना सकते हैं। कंपोस्ट भी हमारे स्कूल में शिक्षा दी गई थी हमारे महाराज जी। तो इसमें चार पेड़ लगा हुआ रहते हैं। तो उसमें पहला फ्रेम में थोड़ा मिट्टी को खोदते हैं हल्का सा, फिर उसमें खाद डालते हैं। हल्का खाद डालने के बाद 2 इंच पोल डालते हैं, फिर 4 इंच सूखा पत्ता डाल देते हैं, फिर 2 इंच गोबर डाल देते हैं। गोबर के बाद 1 इंच मिट्टी, फिर दूसरा फ्रेम में पोल नहीं डालते, डाले फिर 6 इंच किचन वेस्ट, फूल फल सब कुछ डालते हैं। फिर 2 इंच मिट्टी डालते हैं, फिर 1 इंच गोबर। इसी प्रकार से चारों फ्रेम हम लोग बनाते हैं। फ्रेम को निकाल के दिखाएंगे आप जरा ये कैसा बना हुआ खाद। और कितने दिन लगता है इसको बनने में? 21 दिन। ठीक है, निकाल दीजिए। ऐसे ऐसे टूट नहीं जाए, एक साथ दोनों तरफ से एक साथ। ठीक है ठीक है ठीक है, दे दीजिए। ब्रूडर ब्रूडर है। तो ये किस काम में आता है? वर्मी कंपोस्ट बनाने में। ठीक है, तो आप जरा दिखाएंगे क्या क्या इसमें क्या 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 मिलाया हुआ है? ये गोबर मिला है। गोबर, और इसमें क्या केंचुआ भी है इसमें? हाँ। तो आप जरा ये दिखाओगे, ये केंचुआ कहाँ से लाए आप लोग? रांची से। ये देखिए, अंधेरा जरा छोड़ दे, निकाल के दिखाओ। इधर इधर अच्छा, ये केंचुआ है ना? दोनों हाथ से उठा ले। तो ये ब्रूडर है, इसे वर्मी कंपोस्ट। हाँ, अभी छोटा छोटा लाया थे ना। ठीक है, अभी बहुत बड़ा बड़ा भी हो गया। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक ठीक है। और कितने दिन तक रखेंगे इसको? और इसमें वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे इसका हम वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे। अच्छा, वर्मी कंपोस्ट कैसे कैसे बनाएंगे आप वर्मी कंपोस्ट? इससे वही, ये जब केचुआ बड़े हो जाएंगे तब इसमें बहुत सारे केचुआ आ जाएंगे, तब ये वर्मी कंपोस्ट बनाने के काम आ जाएगा। हाँ। तो इसे हम इंस्टॉल कर देंगे। ये बटर मशरूम कैसे कैसे किया? पहले इसमें खाद डाली, फिर बीजा डाली, बीजा साइड साइड बीजा डाली, पूरा में बीजा डाली, फिर उसके ऊपर खाद से डाल दी। तो पानी बराबर देते हैं इसमें? हाँ, सुबह शाम, सुबह शाम पानी। तो अभी नया बनाया है उन्होंने, लेकिन इसमें से भी थोड़ा बहुत निकलेगा। इसमें पानी देता है कि नहीं? हाँ 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 जी।